ये कुछ भाई हमारे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लॉकडाउन में बुरी तरह से फंस गए थे और हैदराबाद से मुझे बताया गया है कि पैदल चल के आजमगढ़ आए हैं और इन सभी को कहीं ना कहीं जाना है, कोई महाराजगंज या कोई गोरखपुर का रहने वाला है। तो आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से। आप देखिए, मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को। ये परेशान हाल लोग हैं जो हैदराबाद से 10 दिन से पैदल चल के, एक ग्रुप में लगभग 20 से 25 लोगों की संख्या है, ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और इन लोग 10 दिन की यात्रा करने के बाद आजमगढ़ तक पहुंचे हैं। आगे कैसे जाएंगे अभी अभी मैंने बात किया है, मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि प्रशासन से बात करके इन लोगों को बस से यहां से भिजवाया जा सके। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आप लोग पैदल क्यों निकल गए वहां से, लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्यों आखिर आने की वजह से निकल गए? वहां खाने को नहीं मिल रहा था। हाँ, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। लोकल लोग वहां पर जो थे वो पूरे खाने की जो सामान सामग्री आ रही थी सब रख ले रहे थे, हम लोग को नहीं दे रहे थे, इसलिए जो हमारे पास पैसे था एक महीने खाए तो जो खत्म हो गया उसके बाद हम लोग वहां से निकल पड़े। तो सरकार ने तो ये नियम बनाया है कि जो दूसरे राज्य के लोग अगर किसी दूसरे राज्य में है, यूपी का कोई अगर कहीं पे भी है, तो वहां पे बातचीत करके उनको खाद्यान्न वगैरह पहुंचाने की बात थी। नहीं, तो हमको नहीं मिल रहा। जो वहाँ के जो लोकल है, रहने वाले वहाँ के हैं, सब उन्हीं ले रहे हैं, सब हम लोग के पास नहीं पहुंच रहा है। सब आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, कुछ भी सामग्री नहीं पहुंच रहा है। गए थे वहाँ पे हम लोग, पेंटिंग और पॉलिश का काम करते हैं। तो जहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो ठेकेदार नहीं आप लोगों को? इस ठेकेदार के माध्यम से नहीं थे हम लोग, डेली काम करते, डेली पैसा मिलता था, डेली की दिहाड़ी मजदूरी डेली मिलता था हमको, तो खाते थे। हाँ, बस। तो फिर खाने पीने की मुश्किल हुई तो आप लोग? बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। एक महीने तक हम लोग खाए, पैसे जो था रखे थे एक महीने तक खाए, वो पैसे खत्म हो गया, उसको क्या करेंगे यहाँ पर। तो वहाँ लोकल में कोई खाना पीना नहीं खिला रहा था? नहीं खिला रहा था, सामाजिक कोई भी नहीं खिला रहा था। तो आइए आप कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते। क्या नाम आपका? जी विजय कुमार। विजय, क्या करने गए थे यहाँ? हम लोग पेंटिंग पॉलिश करने गए थे वहाँ। कहाँ के रहने वाले हो यहाँ पे? जी गोरखपुर। गोरखपुर के? जी सर। तो कितने दिन से निकले हो हैदराबाद से? हम लोग 10 दिन से निकले हुए पैदल यात्रा करते हुए सर। हाँ। और पहाड़ी इलाकों में भूख प्यास से और खाना वाना कुछ भी नहीं मिला हम लोग। तो रास्ते में कुछ लोग जो मिलने, जहाँ पे आप लोगों की मुलाकात किसी से होती थी, तो रास्ते में अक्सर देखा गया लोग खाना वगैरह खिलाते हैं, देते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई मदद नहीं मिली सर। और हम लोग सिर्फ बिस्कुट और नमकीन खाते हुए आए हैं यहाँ पर, कोई हम लोग को सुविधा नहीं मिली, कोई मदद नहीं। 10 दिन से आप लोग बिस्कुट और नमकीन खाते हुए आए यहाँ पे? जी सर, कुछ। अच्छा। रोटी भी बना के रखे थे, जो बचा था वही लेके आते, वो भी खाते आते। तो लगभग कितनी यात्रा आप लोगों ने आजमगढ़ तक करी अब तक ये पैदल? सर बहुत ही यात्रा की, हम लोग 10 दिन से कर रहे हैं सर। अब 10 दिन में आप यहाँ पहुँचे हैं? जी सर, 10 दिन। अगर आपको गोरखपुर महाराजगंज अगर पैदल निकलना हो तो क्या आप लोग फिर यहाँ से जाएंगे पैदल? नहीं सर, हमको गाड़ी चाहिए जाने के लिए। जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था? हमारे पैरों में सर छाले पड़ गए हैं। हाँ, थोड़ा दिखाएं अपने पैर को, दिखाएं एक बार। हाँ, पैर नहीं चल रहे सर, बहुत। ये देखिए पैर इन लोगों के अब काम करने बंद कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों से ये लोग पैदल चले हैं, 10 दिनों से इनके पैरों के छाले देखिए, उंगलियों को देखिए किस तरह से छाले पड़ गए उंगलियों में, और पैरों के छाले दिखाइए नीचे के, ये देखिए तलवे, इनके पैर के तलवे अभी काम करना बंद कर चुके हैं और बुरी तरह से ये लोग जख्मी भी हो गए हैं। अब चल पाने की दशा नहीं है, अब चल पाने की दशा नहीं, ये हाल हो गया है इस लॉकडाउन में। जो हमारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करने अन्य राज्यों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद की तरफ गए थे आंध्र प्रदेश में, उनकी हालत किस तरह की है? क्या नाम है आपका? डब्लू नाम है। डब्लू, कितना दिन पहले गए थे हैदराबाद? हमको 5 महीने हो गए। 5 महीना। तो क्या मुश्किल हो रहा था वहाँ पे पैदल आप लोग निकल लिए? वही खाने पीने की प्रॉब्लम हुई, खाने पीने की। हालांकि सरकार ने तब बाहर से लोगों को बुलाने के लिए शुरू कर दिया? अभी कुछ भी नहीं किया था, और खाने के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं। मगर वो कुछ लोग बोल रहे थे कि खाना मिलेगा और मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो भी आधार कार्ड भी मांगे, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी सरकार जो बातें कह रही है वो सिर्फ एक दिखावा है, दूसरा हकीकत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ के जो पुलिस थे उनसे शिकायत करने को बोलते थे योगी से मांगू, पुलिस वाले बोलते थे योगी से, योगी से मांगे, बोल रहे थे कि योगी से मांगो। आंध्र प्रदेश हैदराबाद की, हैदराबाद की बात, हैदराबाद की पुलिस बोल रहे थे योगी से खाना, योगी से मांगू राशन, योगी से मांगू। तो आप लोगों ने बताया नहीं, सरकार तो बातचीत करके दोनों राज्यों की सरकार बात, उन लोगों से बात करने बाद मारने के लिए दौड़ते तो क्या बात करेंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्वास है। कितना दिन से आप वहाँ पे काम? अब तो 5 महीने से है सर। आप भी 5 महीने से? तो सारे लोग पेंटिंग करने गए थे? हाँ, कुछ लोग हैं सर जो एक महीना। तो 10 दिन आप लोग चलने के बाद यहाँ पहुँचे?
तो ये देखिए ये हालत है, हमारे जो भाई बाहर काम करते हैं, आप भी बाहर गए थे काम करने? हाँ गए थे। अच्छा, क्या नाम आपका? हमारा विजय नाम है। विजय, कितना महीना रहे वहाँ पे? वही 4 महीना था। 4 महीना, तो जो कमाया सब वहीं खा लिया? वहीं खा लिया सर। बचा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं सर। 10 दिन पैदल चल के आप पहुँचे हैं आप यहाँ? जी सर, इसमें से कुछ लोग हैं सर जो घर से निकले और लॉकडाउन लग गया और उसके बाद बैठ के खाए, किसी ने, किसी की माँ ने झुमके को बांधे रख के पैसा भेजा खाने के लिए, किसी ने पायल रखा। कौन है वो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी माँ ने इस तरह से किया? जी हमारी भी माँ ने रखा और उनकी भी माँ। कौन आ गया? इनकी इनकी बहन की झुमका। क्या नाम है आपका? जी विजय कुमार सर। तो विजय, विजय ने ये बताया है कि इनकी माँ ने अपने गहनों को बंधक रख के या बेच करके वहाँ पे हैदराबाद में पैसा इनको भेजा, तब आप लोग खा पी रहे? जी सर। और वो खत्म हो गया तो आप लोग पैदल चले? जी सर। ये दुर्दशा है। एक और लड़का है जिसके साथ भी ऐसा हुआ शायद, उसकी बहन ने या माँ ने गहना गिरवी रख करके, ये क्या हुआ था, क्या बात हुई थी आपके साथ, किसने क्या किया था घर से, किसने क्या किया था? मम्मी ने बहन का अपना जो गहना था उसने बेच कर पैसे भिजवाया था, 3,000 रुपया। 3,000 रुपया आपको भिजवाया था खाने पीने के लिए? खाने के लिए थी। हाँ, रास्ते में वो भी खत्म हो गया, फिर रूम पर खत्म हो गया था और बाकी जो बचा था रास्ते में खत्म हो गया, इसलिए हम लोग। तो कुछ खाया हुआ है अभी आपने आज के दिन में? कुछ खाया है? बिस्कुट नमकीन खाकर वो लाए थे, सब खा लिए। आज आप लोगों ने कोई खाना नहीं खाया? नहीं सर, आज हम लोग अन्न एक भी नहीं खाया सर, बिस्कुट और नमकीन खाते यहाँ पर आ रहे हैं सर। आज कोई भी नहीं खाना खाया सर, खाली बिस्कुट लेकर खाली पानी खाली पिए और आज ये गुड़ लेकर आज पानी खाकर पिए खाली सर, और बाकी कुछ भी नहीं मिला सर। भीम आर्मी के लोग हैं, वो बोल रहे हैं मुझे कि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो क्या आप इन लोगों के भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं? मारो कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को भोजन करा के यहाँ से छुट्टी देंगे। अब ये लोग आए, हम कार्यालय बैठे थे, सुबह कुछ जरूरतमंद परिवार को हमने राशन सामग्री बांटा। अभी इनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकी आप क्या मदद कर रहे हैं? एट ए टाइम एक सामाजिक संगठन होने का आपका संगठन दावा करता है, अभी भोजन की व्यवस्था करेंगे, इनों को भोजन की व्यवस्था करेंगे, जलपान कराए हैं, जो भी आवश्यकता पड़ेगी इसके बाद प्रशासन से बात करेंगे, इनको साधन मुहैया करवाएंगे जो भी हो सकता है, इसके बाद हम जो अभी मैंने बात किया है इनके गाड़ियों के प्रबंध के लिए मैंने बात किया है। जी जी। लेकिन आपसे निवेदन कि आप तत्काल इनके भोजन की व्यवस्था करें। तत्काल भोजन की व्यवस्था करते हैं, जो भी हो सकता है, सकते हैं, हम सब कुछ नौकरी करने के लिए तैयार है। आप लोग सब साथ में है ना? ये देखिए 20 से 25 लोग है साथ में, यहाँ से 35 लोग है, टोटल 35 लोग। मैं एक बार दिखा देता हूँ इनको, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए यहाँ पे भीम आर्मी के लोगों ने दूर दूर बैठाया है, एक अच्छा काम किया है। यहाँ पे देखिए सारे लोग हैदराबाद से पैदल आ रहे हैं। मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं। यहाँ पे बैठे हैं, क्या नाम है आपका? रामकरण। हाँ, रामकरण। रामकरण, रामकरण कितना दिन हैदराबाद में रहे आप? हैदराबाद कितने दिन रहे? मतलब जब यहाँ से गए थे आप, जब ये सब चीजें नहीं हुई थी, कोरोना वायरस नहीं फैला था, महामारी नहीं फैली थी, लॉकडाउन नहीं लगा था? 3 महीने। 3 महीना। और फिर जब ये मुश्किल आया तो आप लोगों को कोई मदद या कुछ मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं, भूखे प्यासे आप लोग 10 दिन से सफर कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे ये युवा हैं जो मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार का पेट भरते हैं, और ये यहाँ से गए थे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से, गोरखपुर और महाराजगंज से। आप कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर के कितना दिन पहले गए थे हैदराबाद? 3 महीना। 3 महीना पहले। 3 महीना पहले आप गए थे, तो क्या मुश्किलें आ रही थी वहाँ पे? खाना खाने के लिए। तेज बोलिए। खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा था। खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा था। आप भी थे वहीं साथ में? हाँ, हम वहीं पे थे, लेकिन हम कुशीनगर जिले का है। आप कुशीनगर जिले के हैं? कुशीनगर जिले का। अच्छा, इन लोगों की हालत देखिए परेशान है, और इस तरह की हालत हो गई है हमारे मजदूर भाइयों की, कामगार मजदूरों के दूसरे प्रदेशों में। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, जिला प्रशासन से, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जहां कहीं भी, जिस जिले के भी कहीं भी फंसे हों, उनको तत्काल सही तरीके से, सही इन्फॉर्मेशन के साथ सरकार उनके घरों तक पहुंचाने का काम करे। नहीं तो इसी तरह से हमारे मजदूर भाई तड़पते रहेंगे, भूख और तड़प उनकी अब देखी नहीं जा रही है। ये लोग 10-10 दिन पैदल चल करके, पैरों के छाले आप देख नहीं पाएंगे, ये हालत हो गई इन लोगों की। इन लोगों की हालत को देखिए, एकदम बिल्कुल हकीकत है। ये लोग 10 दिनों से बिना खाए पिए बिस्किट और नमकीन के सहारे हैदराबाद से पैदल, मतलब हजारों किलोमीटर ये लोग पैदल चल चुके हैं, जो असंभव सा बात है। लेकिन इस लॉकडाउन और
इस महामारी ने सब कुछ संभव बना दिया है। तो और अन्य भाई जो हमारे अन्य प्रदेशों में फंसे हैं उनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं कि लॉकडाउन बढ़ जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा। पहले से जो हमारे न्यूज चैनल के कुछ साथी कयास लगा रहे हैं वो भी ये बंद कर दें, जब तक सही इन्फॉर्मेशन प्रशासन के स्तर से ना मिले तब तक कोई खबर ना चलाएं। और इन्हीं भ्रामक खबरों की वजह से ये लोग वहां से निकल आए हैं कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए, इनको खाने के लिए भी समस्या हो रही थी, इसीलिए इन्होंने हैदराबाद को छोड़ करके अपने गांव पैदल चलने का संकल्प लिया। और ये लोग पैदल चलते चलते आजमगढ़ आए हैं और यहां पे भीम आर्मी के सदस्य हैं, वो कार्यालय पे इनको बैठाए हैं, जलपान उन्होंने कराया है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो खाना इन लोगों को खाने का प्रबंध कर रहे हैं। और मैं देख ले रहा हूँ कि ये लोग खाना खा ले फिर यहाँ से प्रस्थान करने का या होने का, अगर शासन प्रशासन से कुछ हो पाता है तो ठीक, नहीं तो ये लोग पैदल ही प्रस्थान करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों को भी दिखाई दे, और जहां पे हमारे ये कामगार भाई मजदूर कहीं पे भी फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों से, आसपास के रहने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है, उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, उनको इस मुसीबत की घड़ी में ऐसे अकेला ना छोड़ें, असहाय ना छोड़ें। उनके खाने पीने का प्रबंध अगर आप करते हैं तो कहीं से आपका कुछ जाया नहीं जाएगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देने वाला कहते हैं कि ऊपर वाला होता है, एक तरफ से आप किसी पे खर्चा करते हैं तो दूसरी तरफ से आपके पास आता है। तो भीम आर्मी के सदस्य साथी हैं यहाँ पे जो इनके खाने पीने का प्रबंध करने जा रहे हैं, और मैं चलता हूँ बात करने कंट्रोल रूम में, देखता हूँ इनके लिए कुछ बस का इंतजाम हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने कमर तो कसी लिया है, जब हैदराबाद से आजमगढ़ आ गए हैं तो आजमगढ़ से गोरखपुर दूर नहीं है, है ना साथियों? तो आप देख रहे हैं साथी पूरी तरह से उत्साहित भी हैं, अपने घर के करीब हैं, और आप लोग यहां से जाएंगे तो होम क्वारंटाइन पहले चेक कराइएगा अपने आप को, सारा चेकअप, है ना, अगर वो शेल्टर होम में रखेंगे तो शेल्टर होम में 14 दिन रहना है, ठीक है, ताकि आपके परिवार की भी सुरक्षा और जिस जगह जा रहे हैं वहां के लोगों की भी सुरक्षा हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य किसी कामगार मजदूर भाई के साथ जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं उनके साथ ऐसा ना हो पाए, सही है ना, उनके साथ इस तरह की दशा ना हो। धन्यवाद।